वेलकम दोस्तों, आप सभी जुड़ गए हैं मार्क फॉर क्राइम चैनल पर, जहां आप सच्ची घटनाओं पर आधारित एक से बढ़कर एक कहानियां सुनेंगे। आइए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। अगर आपकी बेटी गुम हो जाए तो आप क्या करेंगे? मैं अनुमान लगा रहा हूं कि आप में से सभी बहुत अच्छे लोग हैं और एक लापता बच्चे को खोजने के लिए आप हर संभव प्रयास करेंगे, चाहे आपको पूरे शहर में उसे खोजना पड़े या आपको अपनी सभी संसाधनों का उपयोग करना पड़े। आप मीडिया का भी सहायता लेंगे, अपने तरफ से पूरी जान झोंक देंगे। आज मैं आपको ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो एक ऐसे परिवार की कहानी है जिसने अपनी बेटी को खो दिया, और इस घटना से यह परिवार मैक्सिको में सबसे अधिक छानबीन और विवादास्पद परिवारों में से एक बन गया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि यह केस वास्तव में दुखद है, और भले ही सभी सिद्धांत और विवरण बहुत दिलचस्प हैं, पर जो यहाँ हुआ वह एक वास्तविक त्रासदी है और मेरी राय में यह न्याय का दुरुपयोग है। पॉलेट का जन्म 20 जुलाई 2005 को उसके माता पिता लिजेट और मर्सिरियो कपारा के यहाँ मैक्सिको शहर में हुआ था। उसकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम उसकी माँ के नाम पर लिजेट रखा गया था। मैं इस कहानी में उसकी बहन को लिजेट जूनियर के रूप में पेश करूँगा, ताकि उसकी माँ और उसकी बड़ी बेटी में आपको कन्फ्यूजन ना हो। पॉलेट को शारीरिक अक्षमता थी जिसकी वजह से उसे चलने फिरने और सभी शब्दों का उच्चारण करने में बहुत दिक्कत होती थी। 21 मार्च 2010 को रविवार था। उस शाम पॉलेट और लिजेट जूनियर, जो पॉलेट से 7 साल बड़ी थी, अपने पिता के साथ वीकेंड ट्रिप पर से घर वापस आए थे। उनकी माँ उनके साथ नहीं गई और बजाय अपने दोस्त अमांडा के साथ लॉस गिबॉस की यात्रा पर चली गई थी। जब वे वापस आए तो लिजेट ने अपनी बेटियों का अभिवादन किया और उन्हें हमेशा की तरह बिस्तर पर लिटा दिया। उसकी बेटियां और पति के साथ कुछ भी गलत या अजीब नहीं लग रहा था। लिजेट एक वकील थी और मर्सिरियो रियल एस्टेट में लंबे समय तक काम किया था। इन दोनों ने मिलकर अपने पैसे से काफी संपत्ति बनाई थी, इसलिए लड़कियों का देखभाल करने के लिए उन्होंने 2 केयरटेकर को रखा। उनके वीकेंड ट्रिप से वापस आने के अगली सुबह उन्हें तैयार करने के लिए केयरटेकर्स पहुंची। उसमें से एक अरिका थी जो पॉलेट के कमरे में उसे जगाने गई तो वहां बिस्तर पर कोई नहीं था। उन्हें यह विश्वास करना मुश्किल था कि पॉलेट खुद अपार्टमेंट से बाहर जा सकती है। वे एक ऊंची इमारत में रहते थे और चूंकि पॉलेट को बिना सहायता के चलने में कठिनाई होती थी, इसलिए इसकी संभावना भी बहुत कम ही थी कि वो खुद से कहीं चली गई होगी। उन्होंने तुरंत पॉलेट के पेरेंट्स को संपर्क किया और बताया कि पॉलेट अपने बिस्तर से गायब है। पॉलेट के पेरेंट्स ने पुलिस अधिकारियों को इसकी सूचना दी। यह मामला पूरा मैक्सिको में चर्चा का विषय बन गया था। उसके माता पिता ने अपने लापता बेटी के बारे में पता लगाने के लिए हर संभव कोशिश की। पूरे शहर में मिसिंग का पोस्टर लगाया, यहाँ तक कि पॉलेट के लापता होने के विवरण को प्रदर्शित करने के लिए होर्डिंग भी खरीदे थे। हर कोई यह सोच रहा था कि वह कहाँ जा सकती है। उसके लिए चलना मुश्किल था, तो फिर अपार्टमेंट से खुद बाहर कैसे निकली होगी? उसके बेडरूम में घुसपैठिए या सामान इधर उधर का कोई निशान भी नहीं थे। उनके पास 2 कुत्ते भी थे जिन्होंने उस रात आवाज भी नहीं किया था। ऐसा लग रहा था कि वह अचानक कहाँ गायब हो गई। मैक्सिको में हर साल सैकड़ों बच्चे लापता हो जाते हैं, और ऐसा लग रहा था कि पॉलेट का केस केवल इसलिए सुर्खियों में आया क्योंकि उसका परिवार अमीर था। राज्य के अटॉर्नी जनरल एल्बर्टो बास इस केस को अपने अंडर में लिया क्योंकि यह पहला बड़ा विवाद था। पॉलेट के माता पिता और दोनों केयर टेकर्स को हिरासत में लिया गया क्योंकि उन चारों पर संदेह बढ़ रहा था।
जैसा कि उन्होंने मीडिया को परस्पर विवादग्रस्त कहानियां दी, लिजेट और मर्सेरियो विशेष रूप से संदिग्ध थे, क्योंकि एक गुप्त रिकॉर्डिंग में लिजेट ने अपनी बड़ी बेटी लिजेट जूनियर को पुलिस से कुछ नहीं कहने के लिए कहा था और इससे वह मुसीबत में पड़ जाएगी। उन चारों को उसी दिन बिना किसी आरोप के रिहा कर दिया गया था। फिर दो दिन बाद इस मामले ने एक मोड़ लिया जो जवाब से ज्यादा प्रश्न पैदा कर दिए। जांचकर्ताओं ने इस घटना को फिर से फिल्माने का फैसला किया कि कैसे पॉलेट के गायब होने के बाद उसे खोजा गया था। उन्होंने इसे रात 2 बजे रिकॉर्ड किया, जो बहुत अजीब था क्योंकि रियल में उसे सुबह में खोजा गया था। जांचकर्ता पॉलेट के बेडरूम में चादरों और तकियों की तरफ देखते हैं जो खून से लथपथ था। वे घोषणा करते हैं कि यह स्पष्ट है कि पॉलेट को पूरी तरह पीटा गया था। उन्होंने गद्दे को हटाया तो आश्चर्यचकित रह गए, वहाँ पॉलेट थी। किसी तरह लड़की को गद्दे के अंत में नीचे की तरफ रखा गया था और वह उसी पैजामे में थी जो उसने गायब होने वाली रात को पहनी थी। उन्होंने दावा किया कि कमरे में फेरबदल किया गया था और उन्होंने ये भी नोटिस किया अगर वह वहाँ होती तो 100 से ज़्यादा लोग पूरे जांच के दौरान उस कमरे में आए गए तो वो कैसे नहीं दिखी। सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि पॉलेट की मिलने से 9 दिन पहले उसके परिवार और पॉलेट की माँ की दोस्त अमांडा उसी बिस्तर पर सोए थे। इन सभी तथ्यों से पॉलेट के माता पिता पर और ज़्यादा संदेह पैदा हुआ, खास तौर पर उसकी माँ पर। केयर टेकर एरिका ने अपने बयान में बताया था कि पॉलेट के सुबह न मिलने से उसके माता पिता ज़्यादा परेशान या चिंतित नहीं थे। लिजेट लिविंग रूम में आराम से कॉफ़ी और सिगरेट पी रही थी। उसकी बेटी कहाँ है इस पे उसने मजाकिया टिप्पणी भी किया कि उसे कभी किसी फिरौती मांगने के लिए फ़ोन नहीं आया और बोला शायद पॉलेट का अपहरण एलियंस या हैरी पॉटर ने किया होगा। उसकी सबसे खराब टिप्पणी यह थी कि भले में पॉलेट को खो दी हूँ फिर भी मेरी एक और बेटी है। पॉलेट की खोज के आसपास की अजीब परिस्थितियों के बावजूद उसकी मृत्यु को एक दुर्घटना करार दिया गया था। पॉलेट अपने मुंह पर कमर रख के सोई थी जबकि वह विकलांग थी। मृत्यु समीक्षक ने कहा कि रात में वह या तो उलझ गई होगी या कम्बल का हिस्सा निगल गई होगी और बिस्तर के अंत तक लुढ़क कर जाने से गद्दे और बेड के फ्रेम के अंत के बीच खुद लपटा कर दम तोड़ दी होगी। पर पुण्य मूल्यांकन में जांचकर्ताओं ने अपने दावे में स्पष्ट किया था कि पूरे बिस्तर पर खून था और स्पष्ट था कि पॉलेट की मौत का कारण शारीरिक चोट थी। हालांकि मृत्यु निरीक्षक के अनुसार पॉलेट के शरीर में कोई निशान नहीं थी कि किसी ने उसे चोट पहुंचाई है। बहुत लोग इसे सच नहीं मानते जो वजह मृत्यु निरीक्षक ने दिया था। शायद पुलिस इस सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रही थी कि वास्तव में पॉलेट के साथ हुआ क्या था। यहाँ तक अल्बर्टो बैसबास ने भी दावा किया कि पॉलेट की मृत्यु आकस्मिक थी। उसने खुद बेडरूम और उसके बिस्तर की तलाशी ली और कमरे में उसकी एक झलक भी नहीं दिखा, ना कोई सबूत। अल्बर्टो सच्चाई को उजागर करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और उसकी राय में सच्चाई यह थी कि पॉलेट को उसकी माँ ने मार डाला था। पॉलेट के शरीर के मिलने के बाद लिजेट की चारों तरफ से आलोचना हो रही थी। कई लोगों ने उसे बेपरवाह और भावहीन बताया। कानूनी मनोरोग विशेषज्ञ सेंड्रा यद्यम लिजेट के इस आकलन से सहमत है कि वह स्नेह और भावनात्मक लगाव के मामले में हमेशा बहुत दूर रही है। यह भी साफ दिख रहा था कि जांच के दबाव का असर लिजेट और मर्सेरियो की शादी पर पड़ रहा था। इस जोड़े ने 2014 में आधिकारिक रूप से तलाक ले लिया। मीडिया में दोनों ने एक दूसरे पर पॉलेट की मौत के बारे में कुछ जानने का आरोप लगाया, लेकिन वे आरोप कभी भी ज़्यादा नहीं था। तथ्य यह भी है कि लिजेट और मर्सेरियो के खिलाफ उनके अजीब व्यवहार के अलावा अभी भी बहुत कम सबूत थे और लिजेट
और उसकी बड़ी बेटी की एक रिकॉर्डिंग था। हालांकि वे दोनों दावा करते हैं कि ऑडियो को इस संदर्भ से बाहर से लिया गया था। कई मामलों में इस केस की तुलना जॉन बेनेट रैमसे के लापता होने और मौत से की गई है, जिसमें एक अमीर परिवार की लड़की लापता हो जाती है और फिर अपने ही घर में मृत पाई जाती है। ऐसा लगता है कि उसके पेरेंट्स खुद को निर्दोष दिखाने के लिए सब कुछ करने का दिखावा कर रहे थे। उम्मीद है कि जॉन बेनेट के केस की तरह पॉलेट का भी केस एक दिन सुलझा लिया जाएगा। दुर्भाग्य से इसकी संभावना कम होती जा रही है, क्योंकि पॉलेट को 6 अप्रैल 2010 को दफनाया गया था और उसके शोक में उसके पिता शामिल नहीं हुए थे। लीजेट ने प्रेस को बताया था कि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पति ऐसा सोचता है कि पॉलेट की मृत्यु के पीछे उसका हाथ है, और उसके पति ने लीजेट को वहां जाने से भी मना किया था। उस वर्ष मई में अल्बर्टो ने इस मामले को नहीं संभाल पाने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसने जोर देकर कहा कि इस केस को वह ठीक से संचालित नहीं कर सके और कोई भी गलत व्यवहार उनकी गलती थी कि पॉलेट के शरीर को खोजने के लिए इतना वक्त लगा जो समान दृष्टि से नहीं दिख रहा था। इस मामले को मीडिया, जनता और राजनेताओं ने काफ़ी आलोचना की। जीसस और टेगा ने मैक्सिको राज्य के राज्यपाल को बुलाया और उसने कहा कि उन्हें जांच की इस आपदा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। करीब 100 पुलिस 10 मीटर के इस कमरे से गुजरी। ट्रेन कुत्तों ने उसकी तलाशी ली, तब भी उन्हें उसका शव नहीं मिला। वे किसकी रक्षा करना चाहते थे? इस मामले को आधिकारिक तौर पर 2017 में बंद कर देने के बाद पॉलेट की कब्र खोदा गया था और उसके अवशेषों का अंतिम संस्कार किया गया था। इसका मतलब यह है कि अगर वे भविष्य में इस मामले को फिर से खोलते हैं तो वो किसी भी भौतिक सबूत को नहीं देख पाएंगे। पॉलेट के पिता अब एक अलग ही जिंदगी जी रहे हैं। वह बिल्कुल खुद में सीमित हो गए हैं और वे अब मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे बिल्कुल भी सक्रिय नहीं हैं। जबकि लीजेट बहुत समान है, लेकिन कभी कभी व्यक्तिगत रूप से इंटरव्यू देती है, क्योंकि वह अपने पूर्व पति की तुलना में अधिक जांच के अधीन थी। मुझे लगता है कि वह लोगों को अपनी बेगुनाही की याद दिलाते रहने के लिए बाध्य महसूस करती है। एक इंटरव्यू में उसने वह उन प्रेस के खिलाफ कोई शिकायत नहीं रखती जिसने मीडिया में उसे दोषी के रूप में प्रकाशित किया। हालांकि इस बात से नाराज भी है कि विश्वसनीय समाचार संसाधनों ने इसे अपनी तरह से पेश किया। उनके तलाक के दौरान कोर्ट ने दोनों के व्यवहार के वजह से उसकी बड़ी बेटी को उन दोनों को कस्टडी से अलग रखने के लिए आदेश दिया था, जो अब पता नहीं कहाँ थी। पॉलेट की बहन के बारे में ऑनलाइन कुछ भी खोजना बहुत असंभव है। अब वह शायद 18 वर्ष की हो गई होगी। मैं केवल यह आशा कर सकता हूँ कि वह कुछ हद तक अपना सामान्य बचपन जी होगी। अगर वह कुछ भी जानती है तो उम्मीद है कि एक दिन उसे इसके बारे में बोलने का आत्मविश्वास होगा। आप लोग इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं? यहाँ क्या हुआ यह पता लगाना बहुत मुश्किल है। मैं इस विचार से उभर नहीं पाया कि पॉलेट उस कमरे में 9 दिनों से थी और किसी ने उसे नहीं देखा। आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलें, ताकि हमारी नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं सच्ची घटनाओं से प्रेरित एक नई कहानी के साथ मार्क्ड फॉर क्राइम चैनल पर। धन्यवाद।